ने मनोविज्ञान का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था। आज उसी कड़ी में हम लोग और आगे पढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, क्योंकि हमने देखा था कि मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान भी है। शिक्षा मनोविज्ञान को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, शिक्षा और मनोविज्ञान का जो संबंध है, अगर हम इस तरह से पढ़ें शिक्षा मनोविज्ञान को, देखिए शिक्षा मनोविज्ञान है तो एक ही, लेकिन इन दोनों के अर्थ अलग अलग है। अगर यहाँ पे कि शिक्षा का अर्थ अगर यहाँ पे हम लोग देखना चाहें, शिक्षा का तात्पर्य केवल देखें, तो यहाँ शिक्षा का मतलब क्या होगा? व्यवहार का परिमार्जन। क्या होगा? व्यवहार का परिमार्जन। तो हो जाएगा व्यवहार का परिमार्जन। तो राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है। व्यवहार का परिमार्जन। और मनोविज्ञान का तात्पर्य क्या है? व्यवहार का अध्ययन। मनोविज्ञान का तात्पर्य क्या है? व्यवहार का अध्ययन। इस प्रकार हम लोगों ने क्या देखा कि शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा का अर्थ होता है व्यवहार का परिमार्जन, जबकि मनोविज्ञान में का अर्थ होता है व्यवहार का अध्ययन। इस प्रकार व्यवहार के मार्जन परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक, व्यवहार के मार्जन परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक, और दूसरी बात भी याद रखिएगा, मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग जब शिक्षा में करते हैं तब शिक्षा मनोविज्ञान होता है। अगर प्रश्न कोई पूछ दिया जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान किसे कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, तो क्या बताएंगे आप? बहुत ही आसान है, जब मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षा में करते हैं तब शिक्षा मनोविज्ञान होता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई समस्या आपको, कोई दिक्कत नहीं? जैसे मतलब कहना चाहें हम लोग कि अगर एक तरफ हम लिख दें शिक्षा, एक तरफ मनोविज्ञान, तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक, ये इनके पूरक है तो वो उनके पूरक है। कौन कौन? मनोविज्ञान और शिक्षा। इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। अगर शिक्षा मनोविज्ञान की इतिहास की व्याख्या करें या शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास को पढ़ना चाहें तो बस सबसे पहले निकलता है, अगर BF स्कीनर के अनुसार अगर पढ़ें तो शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ अरस्तु प्लेटो के शिष्य से होता है। इसे BF स्कीनर ने कहा था। अभी स्कीनर को आगे हम लोग पढ़ेंगे। BF स्कीनर ने कहा था शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ अरस्तु से होता है। अरस्तु कौन थे? प्लेटो के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? प्लेटो के शिष्य। मतलब अगर यह प्रश्न आता है कि अरस्तु के गुरु का नाम क्या था, तो आप जानते रहिएगा कि अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो था। तो शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ अरस्तु से होता है। ठीक, अगर कालसिन के अनुसार ईसा से 5 वर्ष पूर्व सदी एक यूनानी दार्शनिक के साथ शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ होता है, या कालसिनिक ने ऐसा कहा था। ठीक है, लेकिन हम आप भी जानते हैं शिक्षा शब्द शिक्ष धातु से बना है। शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है। ठीक, ये आपके लिए महत्वपूर्ण था, इसलिए आप पहले से हमें उम्मीद करते हैं जानते भी रहे होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे अरस्तु की अध्ययन पद्धतियाँ। क्या पढ़ेंगे हम लोग? अरस्तु की अध्ययन पद्धतियाँ। क्या पढ़ेंगे? अरस्तु की अध्ययन पद्धतियाँ। तो आप हेडिंग बनाइएगा अरस्तु की अध्ययन पद्धति। अरस्तु की अध्ययन पद्धति। अभी जैसे हमने कुछ देर पहले बताया कि अरस्तु गुरु कौन थे? प्लेटो। ठीक, अब अगर अरस्तु के अध्ययन पद्धति को पढ़े, सबसे पहले इनका शिक्षा पे देखते हैं, इस शिक्षा को किस तरह से बनाना चाहते थे। तो यहाँ पे एक छोटा शब्द मिलेगा शिक्षा। शिक्षा में ये अलग अलग शिक्षा की बात करते थे। किसी शिक्षा? अलग शिक्षा की बात करते थे। ये अलग अलग शिक्षा की बात करते थे, जिसमें व्यावसायिक, नैतिक, आध्यात्मिक, जिसमें क्या है? व्यावसायिक, फिर नैतिक,
आप भी साथ में लिखते हुए चलिएगा, नैतिक और साथ में आध्यात्मिक। इन शिक्षा की आध्यात्मिक या इन शिक्षा की बात करते हैं कौन? अरस्तु ये कहते हैं कि अपने शिक्षा के पद्धति में, अध्ययन की पद्धति में ये बताते हैं कि ये अलग अलग शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? अलग अलग। व्यवसाय शिक्षा अलग होनी चाहिए, नैतिक शिक्षा अलग हो, आध्यात्मिक शिक्षा अलग अलग हो, और इसकी जो विधियाँ हैं, जो विधि की बात करते हैं वो अलग अलग शिक्षण विधि की बात करते हैं। अलग अलग, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि अलग अलग विधियों की, शिक्षा विधियों की बात करते हैं। ये अलग अलग शिक्षा विधियों की बात करते हैं, ठीक। अब इसका है स्वतंत्र एवं मुक्त विषय के रूप में। विषय कैसा होना चाहिए? स्वतंत्र एवं मुक्त, जैसे मनोविज्ञान, नियम और सिद्धांत, कैसा होना चाहिए? तीसरा अगर हम लोग देखना चाहें, स्वतंत्र एवं मुक्त होगा, स्वतंत्र एवं मुक्त विषय। इसमें क्या आएगा? मनोविज्ञान, जैसे मनोविज्ञान, जैसे क्या आएगा? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान भी क्या है? नियम और सिद्धांत, नियम तरफ सिद्धांत, एक तरफ नियम दूसरी तरफ सिद्धांत। तो कहने का मतलब ये पूरी एक डायग्राम, ये पूरी जो लाइन है, ये क्या दर्शा रहा है? ये अरस्तु की अध्ययन पद्धति को दर्शा रहा है। सबसे पहली बात एक लाइन समझ लीजिएगा, अध्ययन अरस्तु की जो अध्ययन पद्धति है वो सीधी सीधी एक बात कहता है कि जो शिक्षण कार्य हो, जो शिक्षण हो, पूरी तरह से अलग अलग हो। जैसे अगर वो शिक्षा की बात करते, शिक्षा अलग अलग हो, जैसे व्यवसाय शिक्षा, नैतिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, जितनी भी शिक्षा होती है सब कैसी हो? अलग अलग होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अलग अलग। व्यवसाय शिक्षा देनी है तो व्यवसाय दीजिए, नैतिक देनी है नैतिक दीजिए, आध्यात्मिक देनी है आध्यात्मिक। सभी को खिचड़ी ना बनाइए, मैंने हर शिक्षा को ये अलग अलग कहना चाहते हैं या उसकी अलग अलग व्याख्या करना चाहते हैं। दूसरा, शिक्षण विधियाँ भी अलग अलग हो। जैसे अगर इसको देखा जाए, हम ये अलग अलग विधियों की व्याख्या करते हैं, शिक्षण विधि भी क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। ये अलग अलग शिक्षण विधियों की भी बात करते हैं, वो ये बताते हैं कि क्या होना चाहिए। शिक्षा अलग अलग, जैसे व्यावसायिक, नैतिक, आध्यात्मिक, विधियां कैसी होनी चाहिए? अलग अलग शिक्षा विधियां होनी चाहिए, ठीक। अब स्वतंत्र एवं मुक्त विषय होना चाहिए। विषय कैसा होना चाहिए? स्वतंत्र एवं मुक्त विषय के रूप में होना चाहिए। जिसे मनोविज्ञान को ले लें तो क्या है? मनोविज्ञान नियम है, सिद्धांत है, इनके आधार पर यह क्या करते हैं? अरस्तु के जो अध्ययन पद्धति थी वो हमने आपको बताया, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। थोड़ी राइटिंग में गड़बड़ी है लेकिन साथ में साथ आप भी नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक, क्योंकि कहीं ना कहीं इस नोट्स में सभी लोग का योगदान, सबसे बड़ा योगदान तो दीपक जी का है, ठीक, जिसे हम अध्ययन अध्यापन के रूप में इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो यह तक आपको समझ में आ गया, आगे पढ़े इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तब हम आगे पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा। क्या पढ़ेंगे? रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा। अगर रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा को पढ़ें तो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात किसने किया था? रूसो ने किया था। शिक्षा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात किसने किया था? रूसो ने किया था। रूसो ने की एक पुस्तक है जिसमें ईमेल में लिखा, ये इन्होंने क्या लिखा, यह अपनी पुस्तक ईमेल में क्या लिखते हैं कि शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात किसने किया? रूसो ने किया, ऐसा वो अपनी पुस्तक ईमेल में लिखा, ठीक। अब प्रकृतिवादी विचारधारा क्या थी, इसको पढ़ते हैं, ये मिटा दे आपको, प्रकृति क्या है तो इसको हम लोग पढ़ें, समझाए कोई दिक्कत यहाँ से, मिटा दे इसको, चलिए। अब हम लोग जो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा। रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा। अब अगर रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा की बात करें तो जो पहले प्रकृति की बात करते हैं, प्रकृति माने जो अंतर क्रिया होती है, ये पहले प्रकृति की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? ये प्रकृति की बात करते हैं। अब प्रकृति में भी क्या करते हैं? यह स्वतंत्र होना चाहिए, प्राणियों का विकास प्रकृति में स्वतंत्र रूप से होना चाहिए। मतलब ये कहते हैं
कि जो प्राणियों का विकास हो, प्रकृति में जो प्राणियों का विकास हो, जीवों का विकास हो, पूरी तरह स्वतंत्र रूप में हो, ऐसा कौन कहता है? रूसो जी कहते हैं। योग्यताएं भी अलग अलग हो, माने सबकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए। प्रकृति भी कैसी हो? अलग अलग योग्यता, अलग अलग प्रकृति और स्वतंत्र होनी चाहिए, जिस कारण प्राणी का विकास जो है वो पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से होना चाहिए। माने रूसो इस प्रकृति में जो जीवन पर अपना है, जो वातावरण है, वो पूरी तरह स्वतंत्र रूप छोड़ने की बात करते हैं। जैसे कि अगर मनुष्य अंतःक्रिया करे तो स्वतः करे, प्रकृति हो तो अलग अलग सबकी हो, योग्यताएं सबकी अलग अलग हो, अगर योग्यताएं अलग अलग हैं तो प्राणी का विकास भी अलग अलग परिवेश में होना चाहिए, ऐसी बात कौन कहता है? रूसो कहते हैं। रूसो ने शिक्षा मनोविज्ञान के आंदोलन का सूत्रपात किया। रूसो एक मात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया, शिक्षा मनोविज्ञान के आंदोलन का सूत्रपात किया। और अगर हम देखें रूसो के कथन, तो बालक, रूसो कहते हैं कि बालक एक पुस्तक के समान होता है। किसके समान? पुस्तक के समान होता है, या बालक एक पुस्तक के समान होता है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। माने प्रत्येक बालक का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वह पुस्तकों के समान होता है। इस तरह का कथन किसने कहा था? रूसो ने कहा था। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई समस्या आपको हो तो आप बेझिझक बताइएगा, हम आपके बताने के लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें बेहतर लग रही होंगी, पसंद भी आ रही होंगी। कल हम लोगों ने एक व्यक्ति के बारे में पढ़ा था, स्टैनली हॉल। आपको पता स्टैनली हॉल कौन था? तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि स्टैनली हॉल कौन था। स्टैनली हॉल बाल मनोविज्ञान के जनक थे। कौन थे? स्टैनली हॉल बाल मनोविज्ञान के जनक थे। ये बाल विकास की बात करते हैं, बालकों का अध्ययन। अच्छा, बाल विकास में किसका अध्ययन किया जाता है? बालकों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? बालकों का। और प्रश्नावली, बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था? स्टैनली हॉल ने किया था। अगर हम स्टैनली हॉल की बात को पढ़ें तो स्टैनली हॉल के बारे में लिख सकते हैं, सबसे पहले बाल गृह स्थापित किया था। देख लेते हैं स्टैनली हॉल ने क्या क्या किया था। स्टैनली हॉल सबसे पहला काम इनका, इन्हें बाल मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? बाल मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। यह प्रश्नावली बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था इन्होंने। प्रश्नावली का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? किसने किया था प्रश्नावली का निर्माण? किसने किया सबसे पहले? अरे स्टैनली हॉल ने किया था। स्टैनली हॉल ने सबसे पहले किया था, सबसे पहले बाल गृह स्थापित किया था। सबसे पहले इन्होंने बाल गृह भी स्थापित किया था। सबसे पहले बालगृह भी इन्होंने क्या किया था? स्थापित किया था। ठीक, और बाल विकास में, बाल विकास में किसका अध्ययन किया जाता है? बालकों का अध्ययन किया जाता है। तो बस ये इनके लिए तीन पॉइंट ऐसे हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जो महत्वपूर्ण है। अब इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको बेहतर लगे। ठीक, कोई समस्या तक? जॉन डीवी के बारे में पढ़ते हैं, अमेरिका के थे। ये शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन किया इन्होंने। किसका किया? शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन किया। ठीक, इन्होंने भी शिक्षा मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला 1890 में स्थापित की थी। ठीक है, शिकागो अमेरिका में। कहाँ पे? शिकागो अमेरिका में शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला इन्होंने स्थापित किया था। शिक्षार्थियों के व्यवहार का अध्ययन इसमें किया जाता है। किसमें? शिक्षा मनोविज्ञान में। शिक्षा मनोविज्ञान जो प्रयोगशाला होती है इसमें शिक्षार्थियों का अध्ययन किया जाता है। इसकी स्थापना 1890 में किया गया था। ठीक, अब जिस व्यक्ति का नाम लिखने जा रहे हैं उसको शायद आप कभी कहीं ना कहीं जानते होंगे, उसका नाम है थार्नडाइक। इसको मिटा दें, थार्नडाइक। थार्नडाइक कहाँ के थे? थार्नडाइक कहाँ के थे? अमेरिका के। थार्नडाइक कहाँ के थे? अमेरिका के थे। इसे पशु मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? पशु मनोविज्ञान क्यों कहते हैं बताइएगा? मनोविज्ञान का जनक कहते हैं।
इन्हें पशु मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सीखने का नियम इन्होंने सबसे पहले दिया। क्या दिया? सीखने का नियम थार्नडाइक ने सबसे पहले क्या किया? सीखने का नियम दिया। सीखने का नियम कहाँ दिया? शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले उन्होंने क्या किया? सीखने का नियम दिया। इसे मुख्य नियम तीन थे, गौण नियम पांच। इसमें क्या क्या थे? मुख्य नियम आगे इसको पढ़ेंगे, तीन, गौण नियम पांच। मुख्य नियम तीन और गौण नियम कितने थे इनके? पांच। ठीक, अब मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन भी इनके अंतर्गत किया जाता है। ठीक, मनोविज्ञान के सिद्धांतों का नियमों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। ये थार्नडाइक का था। अब जानते हैं सबसे पहले उन्होंने बिल्ली में प्रयोग किया था, इसलिए इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सीखने का नियम भी दिया। आप देखेंगे प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान भी कहते हैं। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहते हैं, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहते हैं, मनोवैज्ञानिक कहते हैं। यह था आपका थार्नडाइक के बारे में जो मैंने बताया। ठीक, मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 में हुई थी। कब हुई थी? 1900 में। मैंने मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति हुई थी, जो हमने शुरुआत किया था प्रारंभ से, उसकी उत्पत्ति कब हुई थी? 1900 में हुई थी। लेकिन शेयर कर दीजिएगा, जवाब हम आपका लास्ट में दे देंगे। ठीक है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान ने अपना अस्पष्ट एवं निश्चित रूप धारण 1920 में किया। क्यों? शिक्षा मनोविज्ञान की स्वतंत्र उत्पत्ति कब हुई थी? 1920 में। ये 1900 में एक शाखा के रूप में तो बाहर आ गया, लेकिन उसे शाखाओं को फैलने में काफ़ी समय लग गया, और लगभग 20 वर्ष का लंबा समय लगा। और अपना ये स्पष्ट और स्वतंत्र रूप से ये 1920 में क्या हुआ? एक स्वतंत्र विषय के रूप में जो अपने दर्जा प्राप्त किया, उसे उसके लिए 20 वर्षों का एक लंबा सफर तय करना पड़ा। शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे अधिक योगदान अमेरिकी मनोवैज्ञानिकों का रहा। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे जो अधिक योगदान रहा वो अमेरिका के मनोवैज्ञानिकों का रहा। अगर संक्षेप में उनका नाम जानना चाहे, थार्नडाइक कहाँ के थे, जिनको अभी लिखा हमने, कहाँ के थे? अमेरिका। रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा, जॉन ड्यूवी, बी एफ स्किनर, कॉल्सनिक। अच्छा, बी एफ स्किनर क्या थे? अरस्तु की विचारधारा से ही प्रभावित थे। तो ये सभी क्या है? कहीं ना कहीं अमेरिकी शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, और शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अमेरिका का सबसे बड़ा योगदान रहा। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा और इसके नोट्स बना लीजिएगा। और थोड़ी बहुत परिभाषाएं हैं, तो परिभाषा जो होती है वो इसे तो आपको बाद में हम पढ़ा देंगे, क्योंकि परिभाषाएं पूरी तरह से कंठस्थ नहीं रह पाती किसी को, लेकिन थोड़ा बहुत है तो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर बी एफ स्किनर की बात करें, तो स्किनर शिक्षा मनोविज्ञान कथन है। स्किनर का कथन क्या है? मनोविज्ञान, स्किनर का शिक्षा मनोविज्ञान में कथन है, सीखना विज्ञान है, सीखना कला है, सीखना विज्ञान है और सीखना कला, इस बी एफ स्किनर जी का ये कथन है। और उनका कथन ये भी है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन करती है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन करती है, जिसका संबंध शिक्षण एवं अधिगम से होता है। ठीक है, आप लोग भी लिखते रहिएगा। ठीक है, क्या होता है? जिसका संबंध शिक्षण एवं अधिगम से है। फिर शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है इसमें सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। मतलब बी एफ स्किनर ने कहा शिक्षा मनोविज्ञान की मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें सीखने और सिद्धांत की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। माने मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। इतनी बार पढ़ लिया जाए कि हमारी तरह पूरी तरह से आपको रट जाए, और जब तक रटेगा नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। ठीक, अब फ्रॉवेल के अनुसार देखा जाए तो शिक्षा एक प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? एक
प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास कर पाता है। ये किसने कहा था? फ्रावेल ने कहा था। अगर क्रो क्रो की बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने का वर्णन एवं व्याख्या शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन करती है। ठीक, स्टीफन ने कहा था शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन करती है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन करती है, ये स्टीफन का कथन था। ठीक, तो ये था कुछ मनोविज्ञानी को प्रमुख कथन जो हमने आपको बता दिए, इनके अनुसार उनकी परिभाषाएं थी जिन्हें आप लिख भी सकते हैं और साथ साथ अगर नोट्स भी बना लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर भी होगा। अगर शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति की बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति में B.F. स्किनर ने कहा था शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना विज्ञान है, सीखना कला है। इसके पहले हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा था, B.F. स्किनर ने कहा था शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना विज्ञान है, सिखाना कला है। पील महोदय कहते थे शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। ठीक, तो आगे हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद कुछ कल पढ़ेंगे, आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का एक विधायक शुद्ध निश्चित विज्ञान है। से नियामक विधायक हमने पढ़ा था, नियामक क्या है, विधायक क्या है, दोनों मिलाकर क्या होता है, मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में उभरता है, मनोविज्ञान कहलाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के सभी सिद्धांत वैध प्रमाणिक के वस्तुनिष्ठ हैं, इसलिए इसके आधार पर भविष्यवाणी भी की जा सकती है। शिक्षा मनोविज्ञान में शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान में शैक्षिक व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है, इसमें विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन भी कर सकते हैं। अगर मनोविज्ञान की बात करें तो व्यवहार का अध्ययन है, नियामक विज्ञान है, विधायक विज्ञान है, लेकिन अगर शिक्षा मनोविज्ञान की व्याख्या करें तो यह शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन है, विज्ञान विधायक है, इस प्रकार। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, कल अगर हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे बालक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। ठीक, उसके बाद अधिगम पढ़ेंगे, लेकिन अच्छा प्रयास करते हैं आज ये पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग को अधिगम पढ़ना शेष रह जाएगा। बालक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान देखिए विद्यार्थियों की विकासात्मक अवस्था को समझने में ये सहायक होते हैं, कक्षा शिक्षण स्वरूप को समझने में सहायक होते हैं, विद्यार्थियों की समस्याओं के सामने सहायक के रूप में समस्याएं होती हैं, व्यक्तिगत भिन्नता को समझने में सहायक होते हैं। कौन? बालक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है? इसी सब में होता है। निर्माण में सहायक, चाहे पाठ्यक्रम हो, चाहे पाठचर्या हो, चाहे शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है? निर्माण में सहायक करता है, योग्यताओं क्षमताओं का विकास करता है, मानसिक क्रियाएं जो चिंतन सोच विचारधारा संज्ञान इन सब को क्या करता है? विकास करता है। आत्ममूल्यांकन स्वमूल्यांकन की तैयारी, मूल्यांकन ज्ञान तैयारी ज्ञान आदि चीज़ों के बारे में क्या करता है? ये उसकी विशेषताओं का वर्णन करता है। ठीक, तो इसके बाद आज तो यहीं पढ़ लिए, कल हम लोग पढ़ेंगे अधिगम क्या है, अधिगम की परिभाषाएँ क्या है, ठीक, विशेषता क्या है, परिभाषा कारक कैसे हैं, इन सभी के बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे। आज इतना ही, और हम प्रयास करेंगे कि लगातार इसी क्रम में आगे बढ़ते रहेंगे, और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी बेहतर भी लगा होगा, तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप टेलीग्राम ऐप से जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश और बिना स्पेस दिए, और इलेनिक विद दुर्गेश से जुड़ जाइएगा। साथ ही साथ मेरे फेसबुक पेज इलेनिक विद दुर्गेश पर आप जुड़ सकते हैं, और ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367 या 7395179012 पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।